अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और बहुत ही जूसी चॉकलेटी पेस्ट्री, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम 4 अंडे ऐड करेंगे और एक चुटकी हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको बीट कर लेंगे। एक कप हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। 7 मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे। तो देखिए ये अच्छे से बीट हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून वलीना एसेंस ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। एक कप हमारे पास मैदा है, वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे। दोबारा से मैदा ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो देखिए पेस्ट्री का बैटर बहुत ही अच्छे से बन चुका है। तो ये हमने एक बेकिंग ट्रे ली है और इस पर हमने बटर पेपर लगाकर आयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम बैटर को इसमें ऐड करेंगे। तो अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो केक को बेक करने के लिए हमने एक पतीला लिया है और इस पर हमने जाली स्टैंड रखी है। अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं तो आप सिल्वर स्टील की कोई सी भी कटोरी या प्लेट भी ले सकते हैं। अब हम बैटर को इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो केक हमारा बेक हो चुका है। अब हम इसको पतीले से बाहर निकाल लेंगे। तो जब तक केक हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम क्रीम को बीट कर लेंगे। देखिए क्रीम को हमने सिर्फ 3 मिनट के लिए बीट किया है और यह बहुत ही अच्छे से बीट हो चुकी है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब हम केक पर लगाने के लिए सीरम तैयार कर लेंगे। तो ये हमने एक प्याली दूध ली है और इसमें हम 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं तो आप चीनी भी ले सकते हैं। ये हमारा घर का बना हुआ है। अगर आपने इसकी रेसिपी अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक हम दे देंगे राइट कॉर्नर पे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसका बटर पेपर उतार लेंगे। अब हम केक को साइडों से काट लेंगे। अब हम केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब हम केक पर सीरम लगा लेंगे और इस पर हम क्रीम लगा लेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। तो देखिए क्रीम अच्छे से लग चुकी है। इसी तरह हम दूसरे पीस पर भी क्रीम लगा लेंगे। अब हम केक को क्रीम से कवर कर देंगे। अब हम पेस्ट्री को काट लेंगे। जिस साइज की आपको पेस्ट्री चाहिए आप उस साइज की काट सकते हैं। छोटी बनाना चाहे तो छोटी बना सकते हैं। अब हम पेस्ट्री पर फ्लावर बना लेंगे। देखिए पेस्ट्रियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। तो देखिए तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली पेस्ट्री की रेसिपी।
यकीनन आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।